हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल छह टेलर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यहाँ पर 32 साइज ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कटिंग करना नहीं आता तो आप 32 साइज का अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो इसी तरीके से कटिंग करेंगे। अगर आप और साइज का ब्लाउज कटिंग करेंगे तो यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल हमारे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लंबाई है हमारे ब्लाउज की वो हम देखेंगे। अगर आप यहाँ पर जितनी आपकी ब्लाउज की लंबाई हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। हमारे यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है वो है 13 इंच। 13 इंच है तो हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जब हम तैयार हमारा ब्लाउज होगा तो 13 इंच का होगा। तो अब हम शोल्डर देखेंगे, क्योंकि हमारा 32 सीना है तो हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5.25 इंच। अगर आप 5 इंच भी लेना चाहें तो 5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा डीप गला है तो हम यहाँ पर 5.25 इंच या 5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब हम 5.25 इंच ले रहे हैं आर्म होल इस तरीके से। आर्म होल का एक निशान लगाएंगे। अब हमारा जो सीना है उसका हम यहाँ पर चौथा भाग लेंगे 8 इंच। इसी तरीके से बिल्कुल आप अगर 32 साइज का ब्लाउज डीप गले पर कटिंग करना चाहते हो तो इसी तरीके से बिल्कुल कट होगा। 2 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। अब 7 इंच हम कमर लेंगे, कमर हमारी 28 है, 1 इंच डॉट के लिए 2 इंच इसमें भी हम मार्जिन रखेंगे। तो और इस तरीके से जो हमारा मार्जिन है वो इस तरीके से हम मिला देंगे। इस तरीके से ये हमारा मार्जिन हो गया। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। लगभग आप यहाँ पर इस तरीके से गोलाई करेंगे। इस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। अब जो गला है हमारा, गले की जो चौड़ाई होती है वो रखेंगे हम 2 इंच और लंबाई इसकी हम हमारी है यहाँ पर 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नीचे से लेंगे हम 3 इंच। अगर आप बहुत ज़्यादा फैलाना चाहते हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं, 3 का 3.5 4। अगर आप बिल्कुल कम फैलाना चाहते तो उसी तरीके से लीजिए। तो यहाँ पर 3 इंच हमने लिया और इस तरीके से गोल गला यहाँ पर बना दिया। साइड से हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे। ये हमारी जो बैक गला होगा उसमें यहाँ पर डॉट डलेगी। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच आर्म होल डाउन करेंगे, जिससे कि जो हमारा डीप गला है, जो कंधे हैं वो इधर उधर नहीं सरकते हैं, बिल्कुल हमारे फिट होते हैं। तो यहाँ पर पूरी हमारी जो बैक गला है उसकी पूरी हमने मार्किंग कर ली है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। अब हमारा जो गला है, गला भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे और इसी तरीके से आप कट करिए, क्योंकि पेपर हमारा छोटा है तो एक ही पार्ट इसमें निकला। अगर और जब आप ब्लाउज पर कपड़े पर कट करेंगे तो कपड़ा बड़ा होता है, तो दूसरा पार्ट किस तरीके से हम निकालेंगे, कपड़े को दूसरी तरफ से इस तरीके से आप बिछा सकते हैं और जो हमारा दूसरा पार्ट होगा वो हम दूसरे पेपर पर निकालेंगे और इस तरीके से कपड़े को हम करेंगे डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद नीचे से लगभग 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। आप यहाँ पर इंची टेप से नाप भी सकते हैं, तो आप लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। साइड से हमारा थोड़ा बच रहा है वो आएगा। अब यहाँ पर शोल्डर बिल्कुल उतने ही हम लेंगे और आर्म होल भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से जब आप पेपर पर कटिंग करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब जो गले की मार्किंग है वो भी हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे कि यहाँ से हमारा गला कट होगा। तो गले की जो आगे का गला होगा वो हमारा छोटा होगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच गले की लंबाई। 6 इंच गले की लंबाई है, यहाँ पे गोल गला हम बना देंगे। आर्म होल की गहराई देंगे लगभग 1/2 इंच इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। लगाएंगे डॉट के लिए निशान। तो यहाँ से हम रखेंगे, आगे से लंबाई नापेंगे, चौड़ाई में रखेंगे हम 4 इंच और लंबाई में रखेंगे हम 4.5 इंच। इस तरीके से एक डॉट डालेंगे, नीचे की हमारी चौड़ी डॉट डलेगी लगभग 1 इंच की, ये होगी। अब हम लगभग 1.5 इंच का गैप देंगे। इस तरीके से आप
जो हमने टेप लगा कर यहाँ पर 1.5 इंच नापा है, उसी तरीके से आप हर डॉट नाप कर यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारी जो 4 डॉट हैं वो डल जाएंगी। अब हम करेंगे जो हमारे आर्म होल की गहराई होगी उसकी कटिंग। जो गला हमारा है उसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पर 32 साइज का ब्लाउज कट करना सीखना चाहते हैं तो पहले आप पेपर पर कटिंग करिए, जिससे कि जो आपका आर्म होल और गला है वो गोल आए, और फिर आप जो हमारा कपड़ा होगा उस पर कटिंग करके देखिए कि आपकी कटिंग कैसी आ रही। इसी तरीके से पहले हम पेपर पर कटिंग करना सीखते हैं, फिर हम उस पर कपड़े पर कटिंग करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।